सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इल्मी न्यूज़ अपडेट्स को और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, बात करेंगे पेंशनर्स के हवाले से। एक अहम जो है वो सहूलत का ऐलान किया गया है, बड़ी परेशानी ख़त्म की गई है। अकाउंटेंट जनरल का एक अहम नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे और डिटेल शेयर करेंगे। और इसके अलावा लीव इनकैशमेंट के हवाले से फिनांस की अहम हदायत सामने आई हैं, उस हवाले से जो है वो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो है ऐसे मुलाज़मीन या पेंशनर्स जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं और उनके पास ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है, तो उस हवाले से फ्री जो लोन स्कीम है उस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस हवाले से आपको डिटेल के साथ आगाह करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाया करें। तो नाज़रीन चलते हैं पहली अपडेट की जानब। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानब से, अगस्त 2024 में ये नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया है और सब्जेक्ट है इसका सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम नादरा। अब आपको बताते चलें इसके बैकग्राउंड के हवाले से, थोड़ा सा आगाह करते चलें कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको पेंशन जारी रखने के लिए उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्राहम करना होता था, जिसमें जो है वो ये मालूमात होती थी कि कौन से जो फैमिली मेम्बरान हैं उनको जो है वो पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो अब जो है वो इस परेशानी को जो है वो दूर किया जा रहा है, क्योंकि इस पर बड़े जो है वो तहफ़ात थे फैमिली पेंशनर्स के सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से जो है वो उनको मुश्किल का सामना था। तो अब जो है वो अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानब से अहम जो है वो अपडेट सामने आ गई है और उन्होंने ये करार दिया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की बजाय जो है वो अब नादरा की जानब से जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही जो है वो काफ़ी होगा, यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो इजाफी बर्डन है वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको सिर्फ जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है नादरा का वो जमा करवाना पड़ेगा, जिस पर उनकी फैमिली पेंशन जो है वो जारी कर दी जाएगी। दूसरी बड़ी अहम अपडेट आप तक पहुंचाते हैं जी के लीव इन कैशमेंट के हवाले से फिनांस का जो है वो अहम हदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। आपको बताते चलें कि बहुत से सरकारी मुलाज़मीन जब लीव इन कैशमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर लीव इन कैशमेंट नहीं मिलती है और बहुत सी जो है वो मुश्किल सामने आती हैं। तो आपको जो है वो एडवांस में आगाह कर देते हैं कि ऐसे मुलाज़मीन जो कि अभी जो है वो लीव इन कैशमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि वो रिटायरमेंट के करीब हैं, तो उनके लिए जो है वो हदायत ये सामने आ रही हैं कि वो सबसे पहले तो जो है वो LPR के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि रिटायरमेंट से पहले जो आपकी एक साल की छुट्टी होती है उसके लिए अप्लाई करेंगे। और ये अप्लाई जो है वो अपनी जो कमेंसमेंट डेट है आपकी उससे 3 माह पहले करेंगे, यानी कि अगर आपको जो है वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले आप अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो आपने 1 साल का गैप रखना है छुट्टी के लिए और उससे पहले 3 माह पहले जो है वो आपने जो है वो LPR के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपकी अथॉरिटी जो है वो आपकी जो LPR है उसको रिजेक्ट करती है तो तब ही आप लीव इन कैशमेंट की रकम हासिल करने के हकदार होंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी है तमाम सरकारी मुलाज़मीन पेंशनर्स और जितने भी आम आवाम हैं पंजाब की, उस हवाले से आपको बताते चलें कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है डायरेक्टरेट जनरल पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानब से 23 अगस्त 2024 को। आप देख सकते हैं ये मरासला जो है वो भिजवाया गया है टू द ऑल डिप्टी कमिश्नर इन द पंजाब और सब्जेक्ट इसका है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अपना छत अपना घर प्रोग्राम फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन विद NSER। इसके मतन में अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो बकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख का जो कर्ज़ है वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा और ये ऐसे शहरियों को दिया जाएगा जो कि 5 मरला रेजिडेंशियल प्लाट उनका होगा अर्बन एरिया में और 10 मरला रेजिडेंशियल प्लाट होगा रूरल एरिया में, यानी कि 10 मरला के जो ओनर्स हैं उनको जो है वो दिया जाएगा देहातों में और जो भी 5 मरला के हकदार होंगे अर्बन एरिया में उनको जो है वो शहरी इलाकों में दिया जाएगा ये 15 लाख रुपये। और इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी अनाउंस किया गया था कि इसमें कोई तफरीक नहीं है किसी ज़िले शहर और या शहरी या रंग नस्ल के लिहाज से, ये हर किसी के लिए है।
और दूसरी ये है कि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से जो है वो तमाम जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हैं वहाँ पर एक फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो कायम कर दिया जाए और तमाम पंजाब के लिए ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जारी की गई हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं 5 मरला या 10 मरला की कैटेगरी में, तो आप लाजमी तौर पर जो है वो अपना घर के लिए जो है वो 15 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से आपको जो है वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगी, या जो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस हैं वहाँ पर भी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।